तो साल का वो वक्त आ चुका है जब सारे लोग अपने जिम के सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं और अपने लाइफस्टाइल को ना थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। अब मैं ये नहीं जानता कि आप में से कितने लोग उन प्रॉमिसेस पे खरे उतरेंगे, लेकिन मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने लाइफस्टाइल को नहीं लेकिन गैजेट्स को जरूर अपग्रेड करना चाहते हैं। स्वागत है आप सभी का फाइबर बाय इंडिया टुडे में और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं अंडर 15,000 रुपीस फोन जो कि आप जनवरी 2024 में खरीद सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोको M6 5G की। इसकी लाइटनिंग फास्ट 5G कैपेबिलिटीज इंश्योर करती हैं कि आपको एक तेज फोन मिले और कीमत सिर्फ 9,499 रुपए की। इसमें है एक MediaTek Dimensity 6100 प्लस SoC और 8GB RAM और आपको 256GB की स्टोरेज भी मिलती है, तो इसका मतलब आपको एक मल्टीटास्किंग मार्वल स्मार्टफोन मिल रहा है। दूसरे नंबर पे है सैमसंग का गैलेक्सी M14 5G। इसके अंदर आती है 6000 mAh की बैटरी और एक 90 हर्ट्ज का IPS LCD स्क्रीन, जिससे आपको ये तो सुनिश्चित हो जाता है कि आपको एंटरटेनमेंट वाला एक फोन मिलेगा जिसमें एक बड़ी बैटरी भी है। इसके साथ आपको मिलता है एक एक्सिनोस का 1330 चिपसेट और एक बेहतरीन कैमरा। तो आप अगर बात करें फोटोग्राफी या फिर कॉन्टेंट कंजम्पशन की, आपको सैमसंग M14 के साथ एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम टेक्नो पोवा 5 प्रो की। इसके अंदर आता है एक MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर, जिसके साथ है एक 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट स्क्रीन और 6.78 इंच का डिस्प्ले। और परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बिकॉज ये एक पावरफुल फोन है। आगे बात करें, इसके अंदर आता है एक 68 वॉट फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और एक 50MP डुअल रियर कैमरा सेटअप। और अगर आप एक गेमर हैं या फिर एक फोटोग्राफी के एंथुजियास्ट हैं, दोनों ये कैपेबिलिटीज आपको इस फोन में मिलेंगी। अगली बारी है लावा स्टॉर्म 5G की और इसके अंदर आता है एक 120 हर्ट्ज का IPS LCD स्क्रीन और डायमेंसिटी 6080 चिपसेट। और इस फोन की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और बात करें, इसके अंदर है एक 5000 mAh बैटरी जिसके साथ आती है 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो अगर आप गेमिंग भी कर रहे हैं या फिर मीडिया कंजम्पशन लंबे समय के लिए, आपको बैटरी पावर भी मिलेगा और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी सीमलेस रहेगा। तो ये थे हमारे सारे ऑप्शंस 15,000 से नीचे के स्मार्टफोन्स जो कि आप जनवरी 2024 में खरीद सकते हैं। जी हाँ, नया साल आ गया है तो अपग्रेड करने का टाइम भी आ गया है और बजट में अगर अपग्रेड मिले तो भाई चार चांद लग जाते हैं इस चीजों पर। आप याद रखिए कि आप फाइबर पे ट्यून रहे बिकॉज आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ एक्साइटिंग अनाउंसमेंट होने वाले हैं। वीवो का X100 प्रो कैमरा फोन और इसके कैमरे की जो अब बात करूं मैं, बहुत ही बेहतरीन कैमरा है, तो उसका रिव्यू मैं आपको लाने वाला हूं। और उसके साथ ही रेडमी के फ्लैगशिप फोन्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और उनकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू के बारे में भी हम आपको फाइबर हिंदी में लाएंगे। तो प्लीज गाइज स्टे ट्यून्ड।